हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट दिल्ली, द चैप्टर ऑफ आवर सोशल वर्ल्ड पार्ट 3. इस चैप्टर नंबर इज 5. टुडे वी विल डू एक्सरसाइज मींस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, कैसा सर्दी कितनी रहती है, गर्मी कितनी रहती है, इसके बारे में पूछा गया. आंसर है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम. दिल्ली का क्लाइमेट एक्सट्रीम है. इट इज़ टू हॉट इन समर. यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी होती है. इट इज़ सो कोल्ड इन विंटर. और सर्दियों में यहाँ बहुत अधिक सर्दी रहती है. रेन स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई. बरसात यहाँ जुलाई से शुरू हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई इज़ दिल्ली कॉल्ड मिनी इंडिया. भारत को मिनी इंडिया क्यों कहा जाता है. पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड कल्चर लिव इन दिल्ली. दिल्ली में अलग अलग स्टेट्स के और अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, यानी सभी स्टेट्स के रहते हैं वहाँ पर. यूपी के, बिहार के, जम्मू कश्मीर के, मध्य प्रदेश के, केरला के, मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की, सभी स्टेट्स के लोग वहाँ पर रहते हैं. और वो सब अपने अपने कल्चर को भी रखते हैं साथ में, क्योंकि उनके कल्चर भी अलग होते हैं. हरियाणा वाले लोगों का पंजाब वालों से मैच नहीं करता है ना, तो वहाँ पंजाब वाले भी रहते हैं, हरियाणा वाले भी रहते हैं, और साउथ के लोग भी. तो सबके कल्चर भी अलग अलग होते हैं, और सबके क्या फेस्ट भी अलग होते हैं, त्यौहार भी अलग होते हैं. हमारे यहाँ तीज मनाते हैं तो साउथ में पोंगल मनाते हैं, ओणम मनाते हैं. हमारे यहाँ संक्रांत करते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग त्यौहार होते हैं. इसी तरह से ऐसे पंजाब में बैसाखी होता है, तो हरियाणा यू आंध्र प्रदेश में बैसाखी नहीं होता है ना. तो इस तरह से ऑल रिलीजन्स फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर. और सभी धर्मों के यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, सभी धर्मों के त्यौहारों के लोग वहाँ पर रहते हैं. तो ऐसा लगता है कि पूरा भारत एक ही जगह पर आ गया हो, है ना. सो इट इज़ कॉल्ड मिनी इंडिया. इसका आंसर क्या बना कि दिल्ली में सभी स्टेट्स के और सभी कल्चर्स के लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है, छोटा भारत कहा जाता है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब आपको उससे पूछा है कि जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनका ऑफिशियल रेजिडेंस, उनका रहने का निवास कौन सा है, जहाँ पर वो ऑफिशियली रहते हैं, मींस के अपनी प्रेसिडेंट की ड्यूटी पूरी करते हुए रहते हैं. राष्ट्रपति भवन. आंसर है राष्ट्रपति भवन. बाकी सारा क्वेश्चन में से ही है, व्हाट की जगह आपने लिखना राष्ट्रपति भवन इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राष्ट्रपति भवन इसका आंसर है. बाकी सारा आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन. हु बिल्ट द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट किसने बनाया था, ये पूछा है. तो आपको क्या लिखना है इसमें, किसने बनाया था. इसमें भी सिर्फ दो वर्ड्स का आंसर है, बाकी सारा क्वेश्चन में से हु की जगह पे आपको क्या लिखना है. मुगल एम्परर शाहजहां. मुगल का मतलब, मुगल एम्परर का मतलब राजा, सम्राट, और शाहजहां उनका नाम था, ठीक है. मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट द रेड फोर्ट. बाकी सारा क्वेश्चन में से ही है. बिल्ट के बाद हु की जगह पे आपको मुगल एम्परर शाहजहां लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंदिरा गांधी
इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड इन दिल्ली। अब आपसे यहाँ भी इतना छोटा क्वेश्चन है कि आपको दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसका नाम बताना है, और उसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड इन दिल्ली। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट उसका नाम है जो दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है, जहाँ से एक देश से दूसरे देश के लिए फ़्लाइट्स जाती हैं। जैसे हम जब हमें अमेरिका जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, यूरोप जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो हम दिल्ली वाले इस एयरपोर्ट से जाते हैं, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, लेकिन दिल्ली में ये एक है। हम नॉर्थ वालों के लिए यही सूटेबल रहता है। और भी हैं, मुंबई वगैरह में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। ओके, बाय।